नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं एक्सेस भारत न्यूज। चलिए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। लोकसभा चुनाव 2024 के देश की सबसे हॉट सीटों में से एक वाराणसी सीट का परिणाम भी आ चुका है। इस बार नरेंद्र मोदी को यहां से तीसरी बार भारी वोटों से जीत मिली है। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए वाराणसी लोकसभा सीट पर आखिरी यानी सातवें चरण में मतदान संपन्न हुआ था। आज मंगलवार को मतगणना में इस सीट से शुरुआती रुझानों में नरेंद्र मोदी पीछे चल रहे थे। हालांकि बाद में वो कांग्रेस प्रत्याशी को पछाड़ते हुए 1.5 लाख से अधिक वोटों से इस सीट पर विजयी हुए। बीजेपी के लिए चिंता की बात यह है कि नरेंद्र मोदी जैसी शख्सियत के वोटों में गिरावट देखी गई। पीएम के सियासी कद के अनुसार उनकी जीत कमतर आंकी जा रही है। इस बार जीत का अंतर 1,52,513 वोट था, वहीं 2019 के चुनाव में यह अंतर 4 लाख से ज्यादा का था। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए वाराणसी से इस बार भी नरेंद्र मोदी चुनाव रण में उतरे हैं। वहीं उनके खिलाफ इंडी गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मैदान में रहे। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में अजय राय कांग्रेस के टिकट पर वाराणसी से चुनाव लड़े थे और तीसरा मुकाम हासिल किया था। उन्हें 7.34% वोट मिले थे। क्या आप भी जानना चाहते हैं आपके आसपास की छोटी और बड़ी खबरों को? क्या आप भी जानना चाहते हैं देश विदेश से जुड़ी हर एक खबर को? क्या आप भी जानना चाहते हैं स्पोर्ट्स से जुड़े हर एक अपडेट्स को? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आपका राशिफल क्या कहता है? जी हाँ, एक्सेस भारत लेकर आता है आपके लिए तमाम मुद्दों को। बिना देरी के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको तुरंत मिल सके। जी हाँ, बिल्कुल तुरंत।